हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की क्लास में हम सेल सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं जैसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग या जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग या इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बोलते हैं तो ये सब क्या होते हैं इसके अलावा एंडोक्राइन पैराक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है कि वो रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जैक एंड पाथवे जो होता है वो किस तरीके से काम करता है तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी हम इन जनरल डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग के टाइप्स उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल्स जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं सेकेंडरी मैसेजर्स के कि सेकेंडरी मैसेजर्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो मैं भी बताया था हमारा CSIR, Net June 2022 के लिए चल रहा है है तो तो अगर आप उसे करना चाहते हो हो तो कर सकते हो, उसकी फीस 500 पर मंथ और उसमें फोर टू फाइव डेज वन आवर की क्लास में लेती हूँ और अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और अगर आप रियली really उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप करो ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके क्लासेस आपकी स्टार्ट कर सकें ओके सो लेट स्टार्ट विद सेल सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग होता क्या है देखो इसका सिंपल सा पाथवे होता है कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक सेल जो है सिंथेसाइज़ करता है एक सिग्नलिंग सेल है जो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करेगा तो वो बेसिकली एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा सिंथेसाइज करेगा उसे फिर टारगेट सेल के पास भेजेगा जिसमें एक्चुअली कुछ चेंजेस की जरूरत है और टारगेट सेल से जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं तो ये पूरा मेथड होता है मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आएगा सिंथेसिस एंड रिलीज किस चीज का ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होगा रिलीज होगा बाय सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा रिलीज होगा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग सेल से और फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल यानी वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है उसका ट्रांसपोर्ट होगा टू दी टारगेट सेल तो टारगेट सेल के पास उसे भेजा जाएगा जब वो टारगेट सेल में पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद सिग्नल बाइंड करेगा तो बाइंडिंग ऑफ दी सिग्नल किससे बाइंड करेगा टू दी रिसेप्टर्स अब सिग्नल मॉलिक्यूल है तो उसे रिसीव करने के लिए कोई रिसेप्टर तो चाहिए रिसेप्टर पे प्रेजेंट होगा ये प्रेजेंट होगा ऑन दी टारगेट सेल और जब भी ये बाइंड करेगा टू दी रिसेप्टर इट लीड्स टू इट्स एक्टिवेशन लीडिंग टू इट्स एक्टिवेशन उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तब फिर आगे जाके वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जो है उन्हें स्टार्ट कर देगा एक्चुअल में जो जी हम पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स या जैक एंड पाथवे जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल में सिग्नल ट्रांसक्शन पाथवेज को ही इनिशिएट करते हैं तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है और फिर जाके आगे सिग्नल ट्रांसक्शन पाथवेज जो है इनिशिएट होते हैं तो उन पाथवेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो सिग्नलिंग हो रही है वो सिग्नलिंग किस किस टाइप की होती है तो ये जो टाइप था जो मैंने आपको बताया इसे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बोलते हैं क्योंकि सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और फिर वो किसी और सेल के ऊपर टारगेट कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इसे बोला जाता है अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके सिंपल से हैं समझना तीन टाइप्स होते हैं एक जिसे बोला जाता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग एक जिसे बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग नेक्स्ट होता है जिसे बोला जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग तीनों में क्या डिफरेंस है तो तीनों के अंदर डिफरेंसेस जो भी होंगे वो हम स्टडी करते हैं तो एंडो एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है एंडोक्राइन होता है जिसमें कि जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल है उसे बहुत दूर जाना पड़ता है बिकॉज द टारगेट सेल इज डिस्टेंटली लोकेटेड डिस्टेंटली लोकेटेड एंडोक्राइन सेल एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर जो टारगेट सेल होता है वो दूर लोकेटेड होता है इसीलिए इसे लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग भी बोलते हैं लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग इसमें बेसिकली ब्लड होता है जो कि उस पर्टिकुलर सिग्नल को लेके जाएगा उस टारगेट सेल तक तो इसीलिए काफी दूर वो लोकेटेड है अगर हम पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो इसके अंदर टारगेट सेल जो होता है वो काफी ज्यादा पास होता है टारगेट सेल इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा पास है तो उसे बोलेंगे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग ठीक है क्लियर अब नेक्स्ट अगर हम देखें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को तो इसमें बेसिकली होता है इफेक्ट ऑन द सेम सेल मतलब जिसने सिग्नलिंग प्रोड्यूस करी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसी सेल के ऊपर इफेक्ट होगा उसी से जाके वो सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा उसी के सेम रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा तो ऑटोक्राइन ठीक है तो इसे बना के दिखाएं तो हमारे पास एक सेल है जो कि रिलीज कर रहा है कुछ केमिकल्स फिर ब्लड आएगा बीच में फिर उसके बाद कोई और सा टारगेट सेल होगा उसके सरफेस के रिसेप्टर्स पे जाके वो बाइंड कर जाएगा मॉलिक्यूल ठीक है तो ये पाथवे होता है एंडोक्राइन का पैराक्राइन का सिंपल सा होता है एक सेल है इसने कुछ केमिकल रिलीज किए ये यहाँ पे कोई और सेल होगा उसके पास में उसके रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगा ठीक है पास वाले सेल के ऑटोक्राइन होता है जैसे ये सेल है इसने ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया मॉलिक्यूल इज बाइंडिंग टू दी सेम सेल्स रिसेप्टर्स उसी के रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो ऐसा सिंपल सा डायग्राम से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं कि होता क्या है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक टाइप की सिग्नलिंग आती है जिसे बोला जाता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग अब जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है इसमें जो पाथवे होता है वो ये सिंपल सा होता है कि इसके अंदर सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफ्यूज नहीं होता ठीक है तो एक्चुअल में जो हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोल रहे हैं कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सेल है वैसे ही जो सिग्नलिंग होती है बस इसमें बस सिग्नल मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं होता ज्यादा दूर नहीं जाता वो डायरेक्टली एडजेसेंट सेल के रिसेप्टर्स से जाके बाइंड कर जाता है तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है सिग्नल मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिफ्यूज डज नॉट डिफ्यूज डिफ्यूज नहीं होते हैं एंड सेल बियरिंग दिग्नल बियरिंग दिग्नल मतलब जिसके पास सिग्नल है सिग्नल मॉलिक्यूल्स जिसके पास है वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं इंटरक्ट करते हैं किससे विद द रिसेप्टर ऑफ एडज सेल्स रिसेप्टर ऑफ एडज सेल्स तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है जक्स्टाक्राइन क्राइन सिग्नलिंग की तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया एक तो डज नॉट डिफ्यूज याद रखना है दूसरा इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स ये याद रखना है ये है जक्सट्रा क्राइन सिग्नलिंग के बारे में मैंने आपको बताया देखो अब सिंपल सा हमने पढ़ लिया कि एक्चुअल में ये पूरा पाथवे जो है वो किस तरीके से कैटेलाइज होता है किस तरीके से सेल के अंदर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा तो हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के टाइप्स एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं तो इसमें हो सकते हैं एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन के अलावा इंसुलिन इंसुलिन भी एक टाइप का सिग्नल मॉलिक्यूल है इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी टाइप का सिग्नल मॉलिक्यूल है आपको पता है कि हार्मोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं तो सभी हार्मोन इसके अंदर आएंगे जैसे हम एग्जांपल थायराइड हार्मोन भी ले सकते हैं तो सारे हॉर्मोन्स जो है सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं और सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने का इनका मेजर फंक्शन होता है अब जब हम बोल रहे हैं कि रिसेप्टर से वो सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड कर लिया है तो जब उससे वो बाइंड कर लिया है उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा तो उसके बाद सेल का रिसेप्टर जो होता है उसके आगे कुछ और मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज को न्यूक्लियस के अंदर जो डी एन ए वहां तक पहुंचाते हैं क्योंकि डीएनए का एक्सप्रेशन जो होगा वो डायरेक्टली सिग्नल मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में होता है सिग्नल मॉलिक्यूल ने किस तरीके का सिग्नल दिया उसके हिसाब से जीन्स एक्सप्रेस करेंगी तो एक्चुअल में सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सिग्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन है सेकेंडरी मैसेजर्स सेकेंडरी मैसेजर्स भी इन्हें बोला जाता है तो ये याद रखोगे सेकेंडरी मैसेजर्स क्यों क्योंकि मैसेज पहले तो वो सिग्नल मॉलिक्यूल लेके आया था जो कि दूसरे सेल से आया था रिलीज हुआ था अब रिसेप्टर के बाद जो मैसेज लेके जा रहा है वो सेकेंड हो गया तो सेकेंडरी मैसेजर्स इन्हें बोला जाता है इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं काफी ज्यादा तो मैं यहाँ स्टार मार्क कर रही हूँ आपको समझाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेजर्स होते हैं सेल के अंदर तो सी जिसे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोला जाता है तो ये भी एक टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है काफी कॉमन इसके अलावा सी जी एम पी साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट डी ए जी डी ए जी की फुल फॉर्म होती है डाईसाइल ग्लिसरॉल तो ये भी एक टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसके अलावा इनोसिटॉल इनोसिटोल भी एक टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है आईपी थ्री भी आपने सुना होगा ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जैसे वन फोर फाइव ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट और इसके अलावा कैल्शियम सबसे कॉमन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो ये कुछ इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया हो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक और वीडियो मैं बनाऊंगी आई थिंक दो वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं एक में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में आपको समझाऊंगी और दूसरी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी जैक एंड स्टैट पाथवे के बारे में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं पर हमें समझ नहीं आते तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है वन टू वन इंडिविजुअल क्लासेस या फिर आपको ज्वाइन करने हैं बैच सीएसआईआर नेट का जो बैच चल रहा है वो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच